हाँ माँ ठीक हूँ। अरे माँ, तुम्हारी बहू ना 3 दिन से हड़ताल पे बैठी है मौन व्रत करके, और घर का सारा काम आपके लाडले को करना पड़ रहा है। हिना, ये सफाई नहीं की तूने अभी तक? कुछ नहीं काम करती है हिना, ये कपड़े प्रेस क्यों नहीं हुए मेरे अभी तक? काम चोर हो गया ये हिना, ये कोई भी काम नहीं हुआ अभी तक। हिना, ये थैला भी फटावा दे दिया तूने। हिना, एक गिलास पानी लेके आना। अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूं, एक गिलास पानी ला दो। अरे तुम बैरी होगी हो क्या? ये क्या, तुम्हें मेरा किया हुआ कोई भी काम पसंद नहीं आता, इसलिए आज से तुम अपना काम खुद करो। मेरा आज से मौन व्रत है, तुम हड़ताल पे हो। हे भगवान, हाँ माँ ठीक हूँ। अरे माँ, तुम्हारी बहू ना 3 दिन से हड़ताल पे बैठी है मौन व्रत करके, और घर का सारा काम आपके लाडले को करना पड़ रहा है। हाँ, क्या करूँ, गलती मेरी है माँ। ठीक है माँ, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करता हूँ। ठीक है। वाओ, खीर की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतने सारे ड्राई फ्रूट डाल के इसमें। यार सच में बहुत अच्छी बनी है, तो मजा आ गया। सच में अच्छी बनी है? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है। सच में टेस्टी बनी है यार? खाओगी? नहीं, मैंने ये ना तुम्हारे लिए बनाई थी। सच्ची? यार मैं तो सोच रहा हूँ इतनी अच्छी टेस्टी खीर बनी है ना, क्यों ना अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट कर ले और अपनी स्पेशल इस खीर रखेंगे। मैंने ना तुम्हारे लिए ना चने की रेसिपी भी बनाई है, अभी लेके आऊँ। हाँ, उसको भी टेस्ट करके बताना कैसा बना है। ठीक है ठीक है। दोस्तों देखा, ऐसे कभी कभी ना अपनी वाइफ की तारीफ कर देनी चाहिए। वैसे भी हम उनके हर काम में कोई ना कोई नुस्खा निकालते रहते हैं, कभी ये खराब बना है, कभी ये काम नहीं हुआ, कभी वो नहीं हुआ। तो अभी पूरी वीडियो देखना, मजा आएगा। और हाँ, अपनी वाइफ की तारीफ करना ना भूले, वरना मेरे जैसा हाल हो जाएगा। ये लो।